कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी कल इलाहाबाद, शनिवार को इलाहाबाद आ रहे हैं। उनका प्रमुख कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम वो लगभग 11 बजे लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से चलेंगे और 11:45 पर उनका बमरोली एयरपोर्ट पे आगमन होगा, जहां कार्यकर्ता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद फूलपुर के सांसद श्री नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल जी के आवास पर जाएंगे। 12:30 बजे वहाँ से निकल करके इलाहाबाद छात्र संघ की पूर्व अध्यक्षा सुश्री ऋचा सिंह के आवास पर जाएंगे शिवपुरी गोविंदपुर कॉलोनी में। इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 फरवरी को जो घटना हुई, पुलिस का लाठी चार्ज हुआ, उसमें घायल तमाम उन कार्यकर्ताओं पार्टी के नेताओं से मुलाकात समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय जार्ज टाउन में आकर के करेंगे। 2:30 बजे के लगभग यहां से निकल करके राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बागम्बरी गद्दी के महंत श्री 1008 महंत नरेंद्र गिरी जी के बुलावे पर साधु संतों से मुलाकात करने के लिए उनके बागम्बरी मठ पे जाएंगे। थोड़ी देर रह करके वहां से वापस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ की ओर चले जाएंगे। इतना कार्यक्रम अभी तक फिलहाल हम लोगों को प्रदेश कार्यालय से निर्गत हुआ है, जिसकी तैयारी पूरी पार्टी पूरे लोग समर्थक कर रहे हैं, उनके स्वागत की अभूतपूर्व तैयारी कर रहे हैं। जो लाठी चार्ज हुआ था उससे जो छात्र और आपके नेताओं को चोटिल हुए हैं उनसे अखिलेश जी मुलाकात करेंगे, एकदम मुलाकात करेंगे वहाँ, उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके दर्द को उनकी तकलीफ को देखेंगे, उन्हें सांत्वना आश्वासन देंगे पूरी उम्मीद है, और कुछ न कुछ रणनीति बनेगी जिसे उनके आने के बाद ही बताया जा सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हैं, अपने नेताओं का ख्याल रखते हैं, और इसी दृष्टिकोण से वो घायल कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने आ रहे हैं।